चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको। जयपुर डिस्कॉम की एमएनएसटी योजना का 61,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है। डिस्कॉम ने 31 करोड़ रुपए के ब्याज और पेनल्टी के प्रदान में छूट दी थी। डिस्कॉम को इस दौरान 130 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिला है। बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए ये योजना लागू की गई थी। जयपुर डिस्कॉम ने जनवरी में एमएनएसटी योजना लागू की थी। सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को इस दौरान छूट का लाभ मिल रहा है। योजना 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। वहीं इस दौरान मूल बकाया राशि जमा करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की जाएगी। चलिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, बड़ी खबर, 130 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिला है एमएनएसटी योजना के अंतर्गत, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जो जयपुर डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम जो उपभोक्ता थे बिजली के, उस उपभोक्ताओं पर कई दिनों से बकाया चल रहा था। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया वसूली नहीं हो पा रही थी। जो जयपुर डिस्कॉम का जो बिजली विभाग है, वो भी कई बार कई तरह से जो उपभोक्ता उनको समझाइश करके या फिर पेनल्टी लगा कर भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी वसूली नहीं हो पाई थी। इसके बाद जो जयपुर डिस्कॉम ने विशेष पहल करते हुए एमनेस्टी योजना लागू की, और उस एमनेस्टी योजना के तहत जो जिन पर बकाया है, जो बकाया जमा करवा रहे हैं, उनको ब्याज और ब्याज के साथ साथ एक विशेष प्रकार की जो पेनल्टी छूट है, वो भी इन पर दी जा रही है। इसी कारण लोगों में एक जो उपभोक्ता थे जिन पर बकाया था, वो इस जो एमनेस्टी योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और आपको बता दें कि करीब 61,000 से ज्यादा जो उपभोक्ता है, उन्होंने इस एमनेस्टी योजना का लाभ उठाया। और जिसमें जो 61,000 जो उपभोक्ता है, उनको जो जयपुर डिस्कॉम है, वो 31 करोड़ रुपए के ब्याज और पेनल्टी की छूट दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सारी जो बकाया वसूली में जयपुर डिस्कॉम को भी बड़ा राजस्व मिला है, जिसमें 130 करोड़ रुपए लगभग बताए जा रहे हैं कि इसमें जयपुर डिस्कॉम को 130 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिला है। आपको बता दें कि योजना अभी चालू है और 30 सितंबर तक यह जो योजना है, यह जारी रहेगी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो तमाम तरह के जो विद्युत उपभोक्ता है, चाहे वो घरेलू कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन या फिर कृषि जो कनेक्शन ले रखे हैं, जो भी जयपुर डिस्कॉम के अंडर में आते हैं, उन सभी उपभोक्ताओं को इस एमनेस्टी योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसमें जो मूल बकाया राशि जमा करवा रहे हैं अगर उपभोक्ता, तो उनको जो ब्याज और ब्याज के साथ साथ जो डिस्कॉम द्वारा जो तय पेनल्टी थी, उस पेनल्टी में भी छूट दी जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मूल बकाया है, जैसे 5 महीने पहले का किसी का 50,000 रुपए बकाया है, तो 5 महीने का ब्याज और 5 महीने की पेनल्टियां डिस्कॉम नहीं ले रहा है, सिर्फ जो मूल है 50,000 रुपए, वही डिस्कॉम जमा करवा रहा है। और ये जो जमा राशि है, इससे लगभग जो डिस्कॉम को 130 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। और अभी ये जो एमनेस्टी योजना है, ये 30 सितंबर तक अभी जारी रहेगी। जी सुनील, देखिए जनवरी में ये योजना शुरू की गई थी एमएनएसटी, जिसका अब तक 61,000 से ज्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं, और ऐसे में आगे भी इसी तरह जो है लोगों को लाभ मिलने की इसमें संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 2023 सितंबर तक ये योजना जारी रहेगी। जी बिल्कुल, इसमें दो तरह के जो बकाया थे, एक तो जो मूल जो बकाया होता है, जैसे बिल जमा नहीं करवाते, इसके अलावा कुछ ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिनके यहाँ जो अनाधिकृत बिजली का उपयोग कर रहे थे, जैसे बिजली चोरी करना, जिसमें विजिलेंस की जो कार्रवाई थी उसके तहत भी लोगों पर एक अलग तरह का चार्ज लगाया हुआ था और वो बकाया चल रहा था। अब तमाम तरह के प्रयास करने के बाद भी अगर जो जयपुर डिस्कॉम है, उसको सफल नहीं हो पाई है और सफलता नहीं मिली थी, किस तरह से जो ये बकाया वसूली है, इसको लाया जाए और इसको जयपुर डिस्कॉम में जमा करवाया जाए। इसके बाद जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो जयपुर डिस्कॉम के, उन अधिकारियों ने एक बैठक कर एमनेस्टी योजना को लागू किया और उसके बाद कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। और जिसमें आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में 61,000 उपभोक्ता अगर इसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो उपभोक्ताओं को तो छूट मिल रही है, साथ ही साथ जो डिस्कॉम है, उसको भी बड़ा राजस्व यहाँ पर मिल रहा है। और अभी भी जो जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि लगातार लोग इस योजना में आ रहे हैं, अपना जो बकाया है वो जमा करवा रहे हैं, और जब जमा करवाते समय जो पूरा जो ब्याज और पेनल्टी है, उस
यहाँ पर डिस्कॉम की तरफ से उनको दी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ जो एक मुश्त जो भुगतान जो कर रहे हैं ऐसे 14,81,94,000 रुपए की जो विलंब भुगतान थे उनको जयपुर डिस्कॉम को मिला है और 65,90,46,000 रुपए का राजस्व भी यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एमएनएसटी योजना के अंतर्गत जो 61,000 से ज्यादा लोग हैं उनको लाभ मिला है, साथ ही 130 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जो है विद्युत विभाग को मिला है और मूल बकाया राशि जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज दिया गया है, पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट भी दी जाएगी।